नमस्कार दोस्तों, ऑटो टच चैनल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 150 ABS मॉडल के फ्रंट डिस्क कैलिपर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये बजाज का जेन्युइन डिस्क कैलिपर है और ये जो कैलिपर है बजाज पल्सर 125 और बजाज पल्सर 150 ABS दोनों ही मॉडल में सेम लगता है। तो दोस्तों, आज हम इस कैलिपर को अनबॉक्स करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में हम आपको इस कैलिपर का पार्ट नंबर बताने वाले हैं, इसकी प्राइस बताने वाले हैं और इसके इस कंपनी का कैलिपर ओरिजिनल सप्लायर में आपको देखने को मिलता है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी किए हुए आपको इस फ्रंट डिस्क कैलिपर को ओपन करके दिखाते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के पार्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे कि आपको पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि मार्केट में आपको कौन सा पार्ट्स कितने रुपए का देखने को मिलता है। दोस्तों, ये ETL कंपनी का फ्रंट डिस्क कैलिपर आपको वेंडर में सप्लाई में देखने को मिलता है। ETL का फुल फॉर्म रहता है एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो एंड्यूरेंस कंपनी का आपको ये ओरिजिनल डिस्क कैलिपर देखने को मिलता है। एंड्यूरेंस कंपनी के डिस्क पैड भी इस पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो ओरिजिनल कैलिपर रहता है वो एंड्यूरेंस कंपनी सप्लाई में देती है, तो एंड्यूरेंस कंपनी से टाई अप किया गया है। दोस्तों, ABS मॉडल का है और नीचे से यहाँ पे एयर पाइप वगैरह लगते हैं, ऊपर ABS का सेंसर लगने का यहाँ पे वो ठिया बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे A17 मार्का लिखा हुआ है और देख लेते हैं और कोई मार्का हमको इस कैलिपर में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ऊपर ETL की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और A3 ब्रांडिंग भी, A3 का लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं और कहीं हमको इसमें मार्का वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मार्किंग वगैरह की गई है, कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लॉट नंबर वगैरह लिखा हुआ है। दोस्तों, ये बजाज का जेन्युइन पार्ट है जो आज हम आपको अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसका पार्ट नंबर दिखा देते हैं और इसकी प्राइस दिखा देते हैं कि कितने का आपको ये फ्रंट डिस्क कैलिपर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके पार्ट नंबर की बात करें तो इसका पार्ट नंबर है DH15089। और दोस्तों, अगर इसकी MRP की बात करें तो 1625 रुपये का आपको ये कैलिपर देखने को मिल जाता है। दोस्तों, इसी तरह की पार्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।